फ्रेंड्स, मिर्च से सिर्फ अचार ही नहीं बनता, और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। तो आज महेशी रसोई में एक ऐसी नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो बहुत ही चटकारेदार है, बहुत ही मजे की बनके तैयार होती है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं कल्पना महेश्वरी अपने चैनल महेशी रसोई में आप सभी को स्वागत करती हूँ। इस चटकारेदार रेसिपी के लिए फ्रेंड्स, मैंने ले लिया मिक्सी का जार और उसमें डाली 1 टीस्पून जितनी राई और उसके साथ ही 1 टीस्पून जितना खड़ा धनिया, 1 टीस्पून जितनी सौंफ, आपके पास खड़ी हो आप खड़ी ले लें वरना पिसी हुई डाल दें, 1/2 टीस्पून जितना जीरा। इन सब मसालों को अच्छे से पीस लिया, पर आपको बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है। आप देखिए हल्का सा दरदरा सा पाउडर है, एकदम परफेक्ट है। इसे कर दीजिए अभी एक साइड से और फिर से ले लिए मिक्सी का जार। और अगर आप लहसुन खाते हैं तो 5-6 गलियां लहसुन की डाल दीजिए, नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिए। 1/2 इंच जितना अदरक का टुकड़ा और 1 टेबल स्पून जितनी भुनी हुई मूंगफली, और मूंगफली आप छिलके के साथ भी ले सकते हैं और बिना छिलके के साथ भी, और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया डंठल के साथ लीजिए। डंठल में बहुत ही अच्छी खुशबू होती है और बिना पानी के इसे आपको पीसना है। दही पानी कुछ भी नहीं डालना है और इस तरीके से दरदरा सा पीस के तैयार कर लेना है। उसके बाद फिर से एक मिक्सिंग बाउल ले लिया और उसमें मैंने डाला 1 टेबल स्पून जितना फ्रेश दही, और दही जितना आप ले रहे हैं बिल्कुल उतनी ही डालिए। फ्रेश मलाई, बढ़िया से कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया। और वैसे तो फ्रेंड्स मिर्च की रेसिपी है, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च जिससे कलर अच्छा आएगा। थोड़ी सी कसूरी मेथी टेस्ट के हिसाब से, नमक नमक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। उसके बाद वो जो हमने धनिया लहसुन वगैरह पीस के रखा था ना, बस वो अच्छे से मिक्स कर दें। दही और मलाई के साथ में जो हमने इसमें खड़े मसाले डाले हैं वो अच्छे से फूल जाएंगे, टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। छोटे छोटे से प्रोसेस है फ्रेंड्स, ज़रूर करें, आपकी जो रेसिपी बनेगी ना इतनी अमेजिंग बनेगी कि इतनी टेस्टी मिर्च की रेसिपी आपने अब से पहले कभी ट्राई नहीं करी होगी। तो ये जो हमने मिर्ची लिया है ये वज़न में 250 ग्राम जितनी है, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। और इसके लिए ना तो आपको पोंछने की ज़रूरत है ना सुखाने की ज़रूरत है, बस इस तरीके से डंठलों को कट कर लें। इस तरीके की रेसिपी अगर आप बनाकर रख लेते हैं ना, तो कभी आपने सिंपल सी दाल बनाई है या कोई एक सब्जी बनाई है और उसके साथ ये लगा दीजिए, बहुत ही बढ़िया लगती है। या सिर्फ अभी आपने पराठे बनाए हैं, पराठों के साथ सर्व कीजिए। 2 टेबल स्पून सरसों का तेल गरम किया और उसमें हम चीरा लगी हुई मिर्ची डाल देंगे। फ्रेंड्स चीरा ज़रूर लगाएं, वरना क्या होता है कई बार मिर्ची फट जाती हैं। तो बस हल्का हल्का सा चीरा लगा लिया, और आपको मिर्चों को बहुत ज़्यादा तलना नहीं है। मिर्चें बहुत ही जल्दी पक जाती हैं, जब आपको लगने लगे ना मिर्चें हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं और कहीं कहीं से हल्की सी सफ़ेद दिखने लगी हैं, बस उसी स्टेज पर आप मिर्चों को निकाल लें। और जितना एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने निकाल दिया है, और उसी तेल में मैंने डाल दिया है 1 पिंच जितनी हींग। और हींग के बाद आप बाकी का जो हमने मसाले पीस के रखे थे वो डाल दें। इसमें आपको जीरा, अजवाइन, राई कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि मसाले जो आपने पीस के रखे थे ना उसमें सारे मसाले हैं। थोड़े से करी पत्ते डाल दें, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और उसके बाद मैंने लिया है 1 मीडियम साइज का प्याज, इसे छोटा छोटा कट कर लिया है, वो भी डाल दिया। और प्याज को आपको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस जैसे ये हल्की सी खुशबू आने लगे, थोड़ा सा पिंक सा हो जाए, एकदम परफेक्ट है। आपको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और ये मैंने ले लिया है 1 मीडियम साइज का टमाटर, और टमाटर को भी आप देख सकते हैं एकदम छोटा छोटा मैंने कट किया है। इस रेसिपी में आप प्याज और टमाटरों को कद्दूकस या पीस के ना डालें, तब उतना बढ़िया टेस्ट नहीं आता है, छोटा छोटा सा कट कर दें। और टमाटर के साथ ही मैंने डाल दिया इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक, जैसे टमाटर और प्याज फटाफट पक के तैयार हो जाएंगी। ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट के लिए रख देते हैं, और 2-3 मिनट में यहाँ देखिए जो प्याज और टमाटर थे अच्छे से पककर तैयार हो गए हैं। तो अब हमने वो जो दही वाला मसाला बनाया था वो भी डाल देते हैं। फ्रेंड्स ये जो रेसिपी है ना, जितनी बनाने में सिंपल है, इसका टेस्ट इतना बढ़िया है कि अगर आपने इसे एक बार बनाया ना तो बच्चे और बड़े दोनों को पसंद आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है। ये जो मोटी वाली मिर्चें इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये बहुत ही कम तीखी होती हैं। और ये देखिए सरफेस पे ऑयल अच्छे से दिखाई देने लगा है, यानी जो हमारा मसाला था वो परफेक्ट भुनकर तैयार है। और इसी बीच अब हम ये थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं, क्योंकि इसमें जाएगा खूब सारा पानी। तो ये गया भर भर के पानी, और कवर करके एक बार फिर से उबाल आने देते हैं। और जितने उबाल आता है, जो हमने मिर्चें तल के रखी थी ना उन्हें इस तरीके से छोटा छोटा सा कट कर लें, जिसे सर्व करने में आसानी रहती है। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो,
नई लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये देखिए जो हमने पानी उबलने के लिए रखा था उसमें भी बढ़िया सा उबाल आ चुका है। और फ्रेंड्स इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसके लिए तो आपको इस रेसिपी को एक बार घर पर बनाना होगा। और ये मैंने कटी हुई मिर्चें डाल दी। मिर्चों को डालने के बाद आपको बहुत ज़्यादा पकाने नहीं है क्योंकि मिर्चें एक तो पक जल्दी जाती हैं और हमने ऑलरेडी ने थोड़ा सा तल लिया था, तो बस अब कर देते हैं गैस का फ्लेम ऑफ। और हनी धनिया के साथ मैंने इसकी गार्निशिंग कर दी। और ये देखिए क्या बढ़िया सी हमारी मिर्चें तैयार हुई हैं, है ना फ्रेंड्स, एकदम नई और अमेजिंग रेसिपी। बनाने में बहुत ही कम समय लगता है, तरीका एकदम नया है, जिसे मैंने तो आज सर्व किया है चावलों के साथ और चावलों के साथ भी ये बहुत बढ़िया लग रही थी। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ सर्व करेंगे ना, चाहे सिंपल सी दाल हो, रोटियां हो, कोई नॉर्मल सब्जी बनाई हो, दही हो, सबके साथ बहुत बढ़िया टेस्ट करेंगी। इस तरीके से रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें और फ्रेंड्स फीडबैक में मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी बनी।